नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चुला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में स्कूली छात्रा से दूसरे समुदाय के छात्र द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आपको बता दें, ये मामला बिजनौर के DDPS स्कूल का है, जहाँ गाँव की रहने वाली महिला ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी DDPS स्कूल में इंटर क्लास में पढ़ती है। महिला का आरोप है कि उस स्कूल में पढ़ने वाला छात्र फरहान उसकी बेटी को मानसिक रूप से परेशान करता है और उसके साथ छेड़छाड़ भी करता है, जिसके बाद छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को बताई। छात्रा के चाचा ने आरोपी युवक को समझाया और उसके माता पिता से भी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी छात्र फरहान ने क्लास में घुसकर छात्रा का हाथ पकड़ लिया, साथ ही फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने घटना के बाद दोनों छात्रों को स्कूल से निकाल दिया। COCT संग्राम सिंह ने बताया कि DDPS स्कूल में कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा के माता पिता ने थाने में आकर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी छात्र को हिरासत में लिया गया। अवगत कराना है कि कल दिनांक 11 सितंबर को थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत DDPS स्कूल में कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा के माता पिता ने थाने पे आके एक तहरीर दी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी बच्ची को स्कूल में ही पढ़ने वाले छात्र फरहान के द्वारा परेशान किया जाता है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज छात्र फरहान को हिरासत में ले लिया गया है। नियमानुसार अन्य विधिक कार्रवाई पिछले। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।